दिल्ली की पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस को मुर्दे से ही डर लग रहा है। पुलिस ने मृतक को ही शांति भंग का आरोप बनाते हुए समन भेज दिया है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। वही क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मामला संज्ञान में आते ही अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने जांच पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की कार्रवाई करने से पूर्व अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए। हरदोई जिले के बघौली पुलिस ने एक अजीबोगरीब कारनामा करते हुए पुलिस पर लोगों को उंगली उठाने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि जहां पुलिस ने एक मृतक व्यक्ति को भी शांति भंग का आरोपी बनाते हुए समन भेज दिया है। बघौली थाना क्षेत्र के नीबी गांव में बीते कुछ दिनों पहले दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए सभी को पाबंद किया है। यहां यह भी बता दें कि थाना क्षेत्र के निजी गांव निवासी राम आसरे व रविशंकर के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों को शांति भंग का आरोपी बनाते हुए चालान किया था, जिसमें से हरीश चंद्र पुत्र जगनू, जिनकी 3 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, उनको भी पुलिस ने शांति भंग का आरोपी बनाते हुए उनके घर समन भेज दिया है। इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हरदोई पुलिस को मुर्दे से कितना डर लग रहा है, क्योंकि एक मरे हुए व्यक्ति को पुलिस ने शांति भंग का आरोपी बना दिया और उसके घर शांति भंग का समन भी भेज दिया। मृतक के पुलिस के पहुंचते ही मामला संज्ञान में आया तो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। वही पुलिस के इस कार्य प्रणाली को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं। वही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाए। थाना बघौली के ग्राम निधि में राम आश्रय व रविशंकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था। इसी में पुलिस द्वारा 9 लोगों का चालान किया गया था 116 में। अभी ये संज्ञान मामला आया है कि उसमें एक व्यक्ति जो हरीश चंद्र नाम जगनू, उनकी डेथ हो चुकी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष बघौली से वार्ता की गई है और इसमें उनसे जानकारी ली गई है। अभी तक ऐसा क्यों किया गया है, इस संबंध में उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सर, इस तरह की लापरवाही को किस तरह से देखते हैं, क्या है? अब सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा कि कोई भी किसी का 116 कर रहे हैं तो उसमें उनका फिजिकल वेरीफाई कर लें और इस तरह की घटना दोबारा ना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।